Assalamu alaikum dear students. In this video we will discuss elements of climate and their relationship with crop growth. Elements kya hain aur unka relationship crop growth ke sath kya hai? Farming systems ke sath in elements ka kya relationship hai? Biological nitrogen fixation ke sath inka kya relationship hai? Isi tarah soil profile, structure, soil ki texture aur soil ki fertility ke sath inka relationship discuss karenge. और सोयल एरोजन और कंजर्वेशन, वाटर लॉगिंग और सेलिनिटी को भी हम डिस्कस करेंगे. सो एलिमेंट्स जो क्लाइमेट के हैं उनमें टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, सनलाइट और विंड है, जो कि क्रूशल रोल प्ले करते हैं क्रॉप की ग्रोथ के अंदर और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर. सो अंडरस्टैंडिंग दीज एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द कंपोनेंट्स मेंशनड कैन हेल्प इन डेवलपिंग सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम्स. सो वी विल डिस्कस दीज एलिमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फार्मिंग सिस्टम्स. Climate influence. Farming systems, whether traditional mix or intensive, are largely shaped by prevailing climate. For instance, rain-fed systems depend heavily on precipitation patterns, while irrigated systems are more flexible. ठीक है, क्लाइमेट का क्या इन्फ्लुएंस है फार्मिंग सिस्टम्स, जिसमें ट्रेडिशनल हो चाहे वो फार्मिंग सिस्टम जो हो चाहे इंटेंसिव हो, तो वो जो लार्जली उसकी शेप होती है वो क्लाइमेट से ही वजह से होती है. तो इसमें जो जिस तरह के रेन फेड सिस्टम्स है वो ज़्यादातर प्रेसिपिटेशन पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो इरिगेशन सिस्टम जो इसके अंदर यूज़ होता है वो फ्लेक्सिबल हो सकता है. नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉप ग्रोथ के अंदर इन एलिमेंट्स का क्या इफेक्ट होता है. तो क्लाइमेट जो है वो डिटरमाइंस करती है क्रॉप्स की टाइप्स को दैट कैन बी ग्रोन इन अ पार्टिकुलर रीजन. ठीक है, किस तरह से एक खास रीजन में एक खास एरिया के अंदर और कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करवाया जा सकता है, तो ये क्लाइमेट डिटरमाइन करता है और इसका इन्फ्लुएंस क्रॉप रोटेशंस के बारे में इंडिकेट करता है. इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग और इसके साथ जो दूसरी प्रैक्टिसेस हैं उनको भी डिटरमाइन करता है. नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का. इसमें क्या है क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस, तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है सॉइल के अंदर, दैट इज इन्फ्लुएंस बाय द सॉइल टेम्परेचर, मॉइस्चर लेवल्स एंड सनलाइट. ठीक है, ये तीन फैक्टर्स हैं जिससे ये इन्फ्लुएंस होता है, उनमें सोयल का टेम्परेचर है, मॉइस्चर लेवल है और सनलाइट है. तो ऑप्टिमल कंडीशंस जो हैं वो इन बैक्टीरिया के लिए इनको बेटर नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी की तरफ लेकर जाती हैं क्रॉप्स के लिए, जो कि नेसेसरी होता है. नेक्स्ट हम क्रॉप ग्रोथ को डिस्कस करेंगे. तो क्रॉप जिस तरह से लेग्यूम या क्रॉप है, तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को इन्हेंस करती है, इंक्रीज करती है. तो इस तरह से सोयल फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है और इस तरह से सोयल की फर्टिलिटी के इम्प्रूव होने से क्रॉप की ग्रोथ इम्प्रूव होती है, स्पेशली इन क्लाइमेट्स विद फेवरेबल कंडीशंस फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ. नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं सोयल प्रोफाइल की, का सोयल स्ट्रक्चर और उसकी टेक्सचर और सोयल की फर्टिलिटी, इसके ऊपर क्लाइमेट का क्या इन्फ्लुएंस होता है. तो जो सोयल प्रोफाइल की फॉर्मेशन है, सोयल की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन है, जो उसकी टेक्सचर है, तो वो क्लाइमेट फैक्टर्स की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है. क्लाइमेट फैक्टर्स जिसमें रेनफॉल है, टेम्परेचर है और विंड है. तो इसका जो सोयल का वाटर रिटेंशन है, एरिएशन और इसके साथ जो न्यूट्रंट अवेलेबल, तो इन फैक्टर्स के ऊपर जो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस है वो इफेक्ट करता है. क्रॉप ग्रोथ क्या है, फर्टाइल सोयल विद अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर सपोर्ट्स ए हेल्दी रूट डिवेलपमेंट एंड न्यूट्रंट अपटेक लीडिंग टू रोबस्ट क्रॉप ग्रोथ. सो क्लाइमेट इफेक्ट्स हाउ न्यूट्रंट्स आर रिटेन फ्रॉम द सोयल. ठीक है, फर्टाइल सोयल जिसमें वेल डिफाइंड उसकी स्ट्रक्चर होती है और उसकी जो टेक्सचर होती है वो हेल्दी रूट को सपोर्ट करती है. अगर सोयल के अंदर बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है और न्यूट्रंट्स मौजूद हैं जो क्रॉप्स को चाहिए, तो उसके साथ तो उस प्लांट्स की रूट को ये हेल्दी करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस तरह की सोयल, क्योंकि उसके अंदर नेसेसरी जो है वो न्यूट्रिशंस मौजूद होती है. इस तरह से जो है क्रॉप की ग्रोथ भी इंक्रीज होती है सोयल की टेक्सचर और उसकी स्ट्रक्चर इम्प्रूव होने से. नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे सोयल एरोजन और कंजर्वेशन का. तो क्लाइमेट का क्या इन्फ्लुएंस होता है, सोयल एरोजन इज डायरेक्टली इफेक्टेड बाय रेनफॉल इंटेंसिटी. ठीक है, रेनफॉल इंटेंसिटी से ये सोयल की एरोजन डायरेक्टली इफेक्ट होती है. इसके साथ विंड स्पीड से इफेक्टेड होती है और स्ट्रॉम्स की फ्रिक्वेंसी से भी इफेक्टेड होती है. इन एरियाज विद हेविली रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड सोयल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस आर क्रूशियल टू प्रिवेंट एरोजन. क्रॉप ग्रोथ क्या है, एरोजन कैन स्ट्रिप अवे टॉप सॉइल लीडिंग टू रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है, जब सॉइल के अंदर एरोजन प्रोड्यूस होती है तो ये जो टॉप सॉइल होती है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी मौजूद होते हैं,
और ये प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा क्रॉप्स के लिए फायदेमंद होती है ये टॉप सॉइल, तो उसको इरोजन जो है उसको रिमूव कर देती है और इस तरह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होने की वजह से क्रॉप यील्ड्स में कमी आती है। तो कंजर्वेशन जो प्रैक्टिसेस हैं जिसमें टेरेसिंग है, कवर क्रॉपिंग है या कंटूर प्लोइंग है, इस तरह की टेक्निक्स, इस तरह के मेथड्स जो हैं वो हेल्प करते हैं सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करने में, सॉइल को सपोर्ट करते हैं, उसको जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसको सस्टेनेबल बनाने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम 5 पॉइंट देखेंगे वाटर लॉगिंग और सेलिनिटी का। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस इसमें क्या है, एक्सेसिव रेनफॉल और पुअर ड्रेंज कैन लीड टू वाटर लॉगिंग। ठीक है, अगर ज्यादा रेनफॉल हो या पुअर ड्रेंज सिस्टम हो तो दोनों ही ये वाटर लॉगिंग की तरफ लेकर जाते हैं, जिसमें हाई जो एवेपोरेशन रेट्स है एरिड क्लाइमेट्स के अंदर वो सॉइल की सेलिनिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, जिनके सॉइल की सेलिनिटी को इंक्रीज करती है। इस तरह जो कंडीशंस हैं वो क्या होते हैं, इस क्रॉप ग्रोथ के लिए डेट्रीमेंटल होती हैं। क्रॉप ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वाटर लॉगिंग का, तो वाटर लॉग सॉइल जो है वो रूट की रिस्पायरेशंस को हिंडर करती है, इस तरह से न्यूट्रंट अपटेक के अंदर भी रुकावट आती है और पुअर ग्रोथ की तरफ लेकर जाती है ये क्रॉप्स की। सेलिनिटी जो है कैन काज ऑस्मोटिक स्ट्रेस इन प्लांट्स। ठीक है, ऑस्मोटिक स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है प्लांट्स के अंदर सेलिनिटी, और ये जो है वाटर की जो उस प्लांट्स के अंदर उसके जो वाटर को अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है उसको उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। इस तरह जो प्रॉपर मैनेजमेंट है इरीगेशन की या ड्रेन सिस्टम्स की उनको अडॉप्ट किया जाना चाहिए इस लोकल क्लाइमेट के मुताबिक, और फिर इस तरह से इशूज को मिटिगेट करना नेसेसरी है। तो हम इसका हमने डिस्कस किया कि क्लाइमेट का क्रॉप ग्रोथ के साथ क्या इफेक्ट है, तो इंट्रेक्शन जो है क्लाइमेट एलिमेंट्स के दरमियान या एग्रीकल्चर फैक्टर्स के दरमियान, जिसमें फार्मिंग सिस्टम्स हो गया या सोयल की प्रॉपर्टीज हो गई जिसमें वाटर मैनेजमेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, इनके दरमियान जो इंट्रेक्शन पाया जाता है। सक्सेसफुल क्रॉप ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग दीज रिलेशनशिप। ठीक है, उस वक्त ही क्रॉप की ग्रोथ को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, क्रॉप की ग्रोथ को इंक्रीज किया जा सकता है अगर इनका रिलेशनशिप अंडरस्टैंड किया जाए इनका, कि क्लाइमेट जो एलिमेंट्स हैं और इस तरह से जो फार्मिंग सिस्टम सॉइल प्रॉपर्टीज वगैरह ये इनके दरमियान रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना नेसेसरी है मैनेज करने के लिए क्रॉप की ग्रोथ को और इसको इंक्रीज करने के लिए। तो इसके साथ जो प्रैक्टिक जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको ऑप्टिमाइज करना नेसेसरी है, जो उनकी स्पेसिफिक क्लाइमेट जो रीजन होता है उसी एक रीजन उसकी क्या स्पेसिफिक क्लाइमेट है उसी के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस नेसेसरी हैं, उसी के अकॉर्डिंग सीड यूज किया करने चाहिए, उसी तरह उसी जो है रीजन के जो स्पेसिफिक क्लाइमेट है उसी के मुताबिक क्रॉप्स को ग्रो करवाना चाहिए जो उस रीजन के जो है वेदर के मुताबिक वेदर पैटर्न के मुताबिक हो, और पेस्ट और डिजीजेस जो रेजिस्टेंस क्रॉप्स हैं उनको यूज किया जाना चाहिए। इस तरह के जो मेथड्स हैं और टेक्निक्स हैं वो क्रॉप की ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं।